अदा करते हैं। आज के खूबसूरत दिन के लिए, अच्छी रोशनी के लिए, दी हुई जिंदगी बरकत नेमत के लिए जो तुमने अता फरमाई है और अपने बेटे और बेटियों को अता फरमाई है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। गुजरी रात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे फाकने के बाद फरिश्तों के लिए, तेरे यीशु नाम के लिए, उसके खून के लिए जिसमें हम छुपे रहे, और तेरे रूह कुदस के लिए जो हमारी बड़ी हिफाजत निगहबानी करता रहा और आज जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखते हुए अपने चरणों में झुकने का ये फजल बख्शा है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। उनके लिए भी जो तुझ में सो गए, उनके अलावा तीन के लिए हम तेरी तसल्ली और तशफ़ी के रूह को मांगते। मेरे पाक खुदा, अटल लाइफ चर्च के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, आइज़िक टीवी के लिए तेरी बरकत चाहते, तेरे खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहिब के लिए, सिस्टर निता के लिए, उनके बच्चों के लिए हम तेरी बरकत चाहते, पास्टर शौकत फजल साहब के लिए, उनकी फैमिली बच्चों के लिए हम तेरी बरकत चाहते, अटल लाइफ के तमाम खादमीन के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, और इसी तरह सिक्योरिटी के लिए, इंतजामिया के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, इसी तरह दुनिया के तमाम खादमीन के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम तेरे खुदा का विश्वों के लिए, फादरों के लिए, ईगरों के लिए, एल्डरों के लिए, मुबशर्स के लिए, बाकी हजरात के लिए हम तेरी बरकत चाहते, जितनी बहनें खिदमत करती हैं उनके लिए हम तेरी बरकत चाहते मेरे पाक खुदा, और आज सुबह साजों पर, आवाज़ों पर, साउंड सिस्टम पर, इलेक्ट्रिसिटी पर हम तेरी बरकत चाहते मेरे पाक खुदा, और आज जो भी हम अपनी मिन्नत फरियाद को लेकर तेरी हजूरी में आ बैठे हैं, ये सुबह सिनासी के नाम से तुम्हारी तमाम दरख्वास्तों को, इल्तजाओं को सुनना, कबूल फरमाना, और इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के लिए हम तेरी बरकत चाहते, हुक्मरानों के लिए हम तेरी बरकत चाहते, आर्मी अफवाज के लिए हम तेरी बरकत चाहते, और जितने भी इस कोरोना वबा की वजह से खुदा परेशान है, बीमार है, हॉस्पिटलों में, घरों में है, ये सुनासी को अपना हाथ बढ़ाकर उनको छूना, ब्लस करना और बड़ी बरकत देना, मसीह खुदावंद के वसीला से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आज जिनके पास खुदा का जिक्र बख्श कलाम है मेरे साथ खोलिएगा, जबूर की किताब और उसका 100 जबूर उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसके चरागाह की बेड़े हैं, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त रहती है। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जमात में से जिस किसी को भी खुदा का रूह गाइड कर रहा हो वो दुआ करने में रहनुमाई करे। शुक्रगुजारी कहते हैं
عبادت میں شس لے کا آخر تک تیرا پاک رو ہماری رہنمائی کرے۔ ایک بار پھر تیرے خادم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا پاک رو تیرا پاک رو تیرے خادم کی رہنمائی کرے، اپنے اے خداوند اپنے خادموں کا منہ بنا، زبان بنا، گلا بنا، اے خدا اپنے بندہ کو عقل دینا، حکمت سہن دینا کہ آج کا جو بھی کلام ہو زندگیاں برکت پائیں، قوت پائیں، تسلی پائیں، اطمینان پائیں۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ بہنوں میں سے جس بہن کو بھی خدا کا روح جاری کر رہا ہوں وہ دعا کرنے میں رہنمائی کرے۔ اونچی آواز تیری برکت چاہتے ہیں، بلیسنگ چاہتے ہیں پیارے خدا، اپنے گھرانے کے لیے پیارے خدا تیری برکت چاہتے ہیں، بلیسنگ چاہتے ہیں خداوند، ہر وقت تو ہم سب کے ساتھ ہونا پیارے خدا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند پوری فادر فیملی کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیری بلیسنگ چاہتے ہیں، جتنے پاسٹر ہیں خداوند ان کے لیے ایک ایک کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، حفاظت اور نگاہ بانی کرنا خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف، تیرے میٹھے، تیرے جلالی اور پاک نام سے مانگتے، آمین 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 آمین۔ اے ایک دفعہ پھر یسوع مسیح کے لیے، پاک کے لیے زوردار تالیاں خدا کے ساتھ مل کر ہم بس کشنا آغاز کریں۔ اور جتنے بھی ہمیں آسمانی پریئر میں جوائن کیے ان سی یسوع میں آسف کو صاحب گڈ مارننگ، نمستے، سستی اکال، جائے مسیح کی، السلام علیکم۔ آج مارننگ میٹنگ کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ قوائن کے ساتھ مل کر ہم بس کشنا آغاز کریں گے۔ ہللویا ہللویا
टाइम को मद्दे नजर रखते हुए हमने टाइम को शॉर्ट किया हो। इसी में आप सब कुछ यहाँ मैंने कुछ कही है Thank you.
आपके लिए तैयार करेंगे और ग्वार के साथ मिलकर हम गोर सुनाएंगे, उसके बाद हम खुदा की सदरीवश आवाज़ को सुनेंगे। सब आंखें खुदा की हजूरी में बातों सर खुदा की हजूरी में झुक जाओ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, सब सर खुदा की पाक हजूरी में झुक जाएं और दुआ मांगना शुरू करें। खुदावन से उसके पाक कलाम को मांगे जो यकीनन जिंदगियों खानदानों को बहाल करता है। कदूस रबुल इज्जत रबुल अफवाज यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करने वाले आसमानी बाप, एक हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने अपने बच्चों को जगह बजगह से अपनी पाक हजूरी में इकट्ठा किया ताकि तेरी आवाज को तेरे पाक कलाम को आज जो आपने अपने बच्चों की जरूरत के मुताबिक नाजर फरमाने को है। सो देख खुदावंद आज का कलाम एक एक जिंदगी के लिए खानदान के लिए बहुत बरकत ठहरे और तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी नाम इज्जत और जलाल पाए, तेरे खादिम के लिए तेरे मामूसू के लिए तेरी कसरत की बरकत को मांगते हैं ताकि वो अपनी लियाकत अपने जोर अपने इलम पर नहीं बल्कि तेरी पाक रूह की हदायत के मुताबिक बोले और तेरा बेटा हमारा खुदावन यीशु मसीह नासरी नाम इज्जत और जलाल पाए मसीह के नाम से आमीन। यीशु मसीह के लिए पाक रूह के लिए जोरदार तालियां और आपकी जोरदार तालियों में पास्टर जोरेज जॉन साहब आएंगे और खुदा के जिंदगी पर कलाम को हम तक पहुंचाएंगे। यीशु ने आप सबको सलाम, आप सबकी सलामती हो, आज का दिन मुबारक हो। हालेलुया, आज खुदा ने फिर एक दिन दिया हमें कि खुदा की आवाज़ को सुन सके, सिंधों की जमीन पर रखा ताकि उसकी आवाज़ को सुनकर कबूल कर सकें। अटर्नल लाइफ चर्च के लिए, सिने पास्टर फजल साहब के लिए, पास्टर शौकत फजल और सारी टीम पास्टर साहबान के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। ऐसे टीवी के लिए कि ये सब कुछ खुदा के जलाल के लिए है।
किसी के जलाल के लिए नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए। आज का कलाम भी खुदा के जलाल के लिए है। हालेलुया। सो आज वक्त है हमारे पास कि हम सीख सके। खुदा चाहता है कि हम अपने आप को बदले, हमारे हालात बदलना चाहता है, हमारी जिंदगियों को बदलना चाहता है। इसलिए मैं बार बार जब भी कलाम सुनाता हूं तो मैं कहता हूं कि कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग, तेरी राह के लिए रोशनी है, मेरे लिए और आपके लिए। इसका किरदार क्या है? बदल, चेंज हो, तब्दील हो। आज जब तुझ पर बुरा वक्त आया, बुरा टाइम आया, इसलिए है कि ताकि तू बदल जाए। आज के हालात तेरी जिंदगी से निकालना चाहता हूं। ये कोरोना वायरस जो आया, इस सबब से जो बड़ी 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 मुसीबत बनकर आया, इससे भी तुझे छुड़ाना चाहता हूं। सो खुदा क्या चाहता है? खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि हर एक की तौबा की नौबत तक चाहता है कि हर एक तौबा करे और अपने गुनाहों का इकरार करे, अपनी बुरी रफ्तों से बाज आए। आज वक्त है कि हम खुदा के कलाम से सीख सके। क्या कोई जानता है कि खुदा भी मुसीबतों को तजवीज करता है या नहीं? और बुरे बंदे को खुदा मारता है, हाँ मारता है। एक बाप अपने बेटे को तब भी करता है तो उसे मारता है, उसके लिए मुसीबत तजवीज करता है। खुदा का कलाम यर्मिया की किताब, यर्मिया नबी के मार्फत खुदा का कलाम 18 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है। यर्मिया नबी से खुदा कलाम करता है, उसे अपना नुमाइंदा, अपना पैगंबर बनाकर भेजता है और कहता है जा मेरी मनाती कर, लोगों को बता खुदा तुमसे क्या चाहता है। 18 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, और अब तू जाकर यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बसिंदों से कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं तुम्हारे लिए मुसीबत तजवीज करता हूं और तुम्हारी मुखालफत में मंसूबा बांधता हूं। सो अब तुम में से हर एक अपनी बुरी रवश से बाज आए और अपनी राह और अपने ईमान को दुरुस्त करे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। अपने ईमान दुरुस्त कर, अपने दिल को दुरुस्त कर। तेरा दिल दुरुस्त नहीं है, तेरे ईमान ठीक नहीं है, गुनाह और पति भर चुका है। मैं अपने खादम को तेरे पास भेजता हूं, मैं अपने लोगों को तुम्हारे पास भेजता हूं ताकि तुम इस कलाम को सुनकर अपनी बड़ी रफ्तों से भाग जाओ, अपनी जिंदगी को चेंज कर सको, तब्दील कर सको। खुदा का कलाम यर्मिया पर नाज़िल होता है और कहता है जा और जाकर इन लोगों से कह कि खुदा तुम्हारे लिए मुसीबत तजवीज करता है, तुम्हारे लिए मंसूबे बांधता है, इसलिए कि इसकी कोई खास वजह है, इसलिए कि तुम दुरुस्त नहीं हो, इसलिए कि तुम ठीक नहीं हो, अभी तक तुम्हारे दिल दुरुस्त नहीं हो रहे, अभी तुम होटल से मेरी तस्लीम करते हो लेकिन दिल तुम्हारे मुझसे दूर है। मैं चाहता हूं कि तुम दिल से मुझे कबूल करो और मैं अपने लोगों को भेजता हूं। क्या करता है खुदा? अपने लोगों को अपने लोगों के पास भेजता है लेकिन कुछ कबूल करते हैं, कुछ कबूल नहीं करते। यर्मिया ही 35 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, मैंने अपने तमाम खिदमतगुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा और उनको बार वक्त ये कहते हुए भेजा कि तुम हर एक अपनी बुरी राह से बाज आओ और अपने ईमान को दुरुस्त करो और गैर माबूदों की पैरवी और इबादत ना करो और जो मुल्क मैंने तुमको दिया और तुम्हारे बाप दादा को दिया है
उसमें बसोगे, लेकिन तुमने ना कान लगाया ना मेरी सुनी। तुम ना सुनते हो, जब सुनते नहीं, जब मेरी पैरवाई नहीं करते, तो फिर तुम्हारे लिए मैं वसीयतों को तजवीज करता हूं। जब मैं अपने खादिमों को, खिदमत गुजारों को तुम्हारे पास भेजता हूं, तो फिर तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत का तजवीज करता हूं। फिर तुम्हारे खिलाफ मैं बड़े मनसूबे बांधता हूं। बदर्स छह बाब और उसके पांच आयत में क्या लिखा है, खुदा का कलाम हमें बताता है ये कब होता है, जब इंसान के मंसूबे गैर हो जाते हैं, जब उसके मंसूबे अपने बन जाते हैं, जब वो हद से बाहर निकल जाता है, जब वो खुदा की हद से बाहर निकल जाता है, तो फिर खुदा उसके खिलाफ बोलता है। क्या लिखा है, वाकई खुदा ऐसे मंसूबे बांधता है। छह बाबर उसके पांच अध्याय में लिखा है, और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई है बदी, और उसके दिल के तस्वर दिल दुरुस्त नहीं है। तस्वर ख्याल सोचे प्लानिंग मुखालफत बिंदते दिल दुरुस्त नहीं है, लड़ाई झगड़े झूठ कहता है कि उसकी बदी जो इंसान की बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। और यहां खुदा क्या करता है, क्या करता है, यहां पर खुदा एक बड़ी मुसीबत को तजवीज करता है। नूह से कहता है इनको बोल मैं तुझे इनके पास भेजता हूं, इन्हें बता खिदमत की, लोगों को बताया, क्या बताया खुदा क्या कहता है। आपकी 17 में क्या लिखा है, खुदा खुदा खुद क्या कहता है, और देख मेरे बेटे, देख मेरी बेटी, और देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं, बर्बाद करना चाहता हूं। मुसीबत को तजवीज कर दिया है, मनसूबा भाग दिया है। सुन लो, अगर सुन सकते हो भाग जाओ, लेकिन किसी ने ना सुनी और सब हलाक हो गए, सब हलाक हो गए। आप भी लोग सुन नहीं रहे, आज भी अजील की मुनादी हो रही है, आज भी खादम छा रहे हैं, आज भी नबी कह रहे हैं, आज भी उसके लोग पुकार पुकार कर कह रहे हैं, बस सबर करो, अपने दिल दुरुस्त करो, खुदा तुम्हें बदलना चाहता है। लेकिन बदलाव नहीं है, बदलाव नहीं है। खुदा को उन्होंने जान तो लिया, पहचान नहीं, उसकी पहचान क्या है, फिर क्या पहचान है। उसने कहा सदोम और अमोरा, पैदाइश 12:20। फिर खुदा ने फरमाया क्योंकि सदोम और अमोरा का शोर बढ़ गया है, बदी बढ़ गई है, जुर्म संगीन
कारीगरों के टैंक पर बन गए, इनकी मदी किस कदर बन गई। पदेश 19 बाप उसकी 4-5 पे क्या लिखा है, और इससे पेश करके वह आराम करने के लिए लेटे। सदोम शहर के मर्दों ने जुआन से लेकर बुढ़े तक सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहां आए कहां है, उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोबत करें। सभी फरिश्तों के साथ सोबत करें, और ये सोबत पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। मर्द मर्द के साथ शादी कर रहा है, सगीर जरूरत पति हद से भर चुकी है, जानवरों के साथ शादी और ब्याह किए जा रहे हैं। संगीन जुर्म है पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस का भार उसके मुखालफत में खुदा ने कोरोना वायरस पर से वबा को फेंक दिया है ताकि लोग तौबा करें। यूरोप तमाम पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, गंदगी और बदी और बदकारी भर चुकी है, किसी रिश्ते की पहचान नहीं रही। खुदा के रिश्तों को तोड़ दिया है, खुदा के हुक्मों को तोड़ दिया है। संगीन संगीन जुर्म, और संगीन जुर्म की आवाज खुदा तक पहुंची, और खुदा ने क्या किया, नूह के वक्त पूरी दुनिया को तबाह किया, और सदोम और गमोरा सात के दैवय के शहरों को आग और गंधक से क्या किया, भस्म किया, राख कर दिया। आज भी आग और गंधक उन लोगों के लिए, वो जुर्म से भरे हुए लोगों के लिए, वो पति से भरे हुए लोगों के लिए जो अभी तक तौबा नहीं कर रहे। तौबा की जरूरत है, तौबा की जरूरत है, लेकिन किसी ने ना सुने। यर्मिया 4 से कहे कि ये अपनी बुरी रफ्तार से बाज है, अपने रस्तों को दुरुस्त करे। आखिरी बात, एक जगह है कौन सी, यहां के लिए भी मुसीबत को खुदा ने क्या किया, यूहन्ना 3 बाप उसकी 4 आयत में क्या लिखा है, और यूहन्ना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की रात चला, उसने मनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनुआ बर्बाद कर दिया जाएगा। खुदा ने मुसीबत को तजवीज कर दिया, खुदा ने मुसीबत को ठहरा दिया, खुदा ने बोल दिया 40 दिन के बाद नैनुआ शहर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, कबूल कर लिया, आजिज हो गए, बैठ गए। खुदावंद अपने गुनाह का इकरार करते हैं, अपने दिल तेरे सामने रखते हैं, अब हमें माफ कर, हम अपनी बात से चलवाए, अपने बनापन छोड़ते हैं, अपनी बदी बदकारी तेरे कदमों में डालते हैं। और खुदा ने जब देखा कि उन्होंने दिल से उसे कबूल किया, तो खुदा ने उन्हें माफ कर दिया और नैनवा शहर को छोड़ दिया। आज मेरा और आपका खुदा नैनवा शहर की तरह, उस शहर के लोगों की तरह हमें करना चाहता है, बदल चेंज तब्दीलो, अपने 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 दिल को दुरुस्त करो और उसके बेटे यीशु मसीह के लहू से धोकर अपने आप को बदलो, चेंज हो, तब्दीलो, बदल जा। ये दुनिया तेरी नहीं है, ये रुपये पैसा तेरा नहीं है, ये दौलत तेरी नहीं है, ये बिल्डिंग तेरी नहीं है, सब कुछ जीरो है, मट्टी है, तू खाक और खाक में फिर लौट जाएगा। बस इमाल 3:19 में क्या लिखा, बस मैं ये चाहता हूं कि तौबा करो, अपने दिलों को दुरुस्त करो, तौबा करो, गुनाहों की माफी का बपतिस्मा ले, खुदा के पास आए और खुदा के कलाम को कबूल करें। हालेलुया, कितने हैं जो कबूल करते हैं दिल से, दिल उठे ही उन्हें जाके चुगलियां, चर्च दिया चुगलियां, पादरी दिया चुगलियां, हाँ उन्हें तो मतलब देता ही नहीं, गिरते ने सानू नहीं देता है, उससे मांगो जो देने वाला है। ऐप जोई ना करो ताकि तुम्हारी ऐप जोई ना खुल जाए। आए पास तौबा करें, अपने दिलों को दुरुस्त करें। अगर हमारे मुखालफत में कोई खुदा का मनसूबा है तो उसे कैंसिल करें। आए एक लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद करें, एक मिनट के लिए
अपने दिलों में इकरार करें और खुदा को कहें कि बाप अपना आप हम तुझे देते हैं, हमारी आवाज़ को सुन। हम नैनवा शहर की तरह अपने आप को आशीष करते हैं, हम तेरे कदमों में अपने आप को लाते हैं। हालेलुया हालेलुया खुदा तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया यीशु के नाम से आमीन। मतलब आप सबको इस नाम के से कैसे बात करते हैं आमीन। से बरकत पाई है। भाई जोरदार तालियां चाहिए कलाम मुकद्दस के लिए। शुक्रगुजारी के तौर पर खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दें और सब खादम खादमाएं आगे आ जाएं। और कल से जो है वो मास्क जो है वो ज़रूरी करार दे दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ज़रूरी करार दिया है। तो जिस शख्स ने भाई ने या बहन ने मास्क नहीं लगाया होगा उसको सिक्योरिटी वाले अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। तो मेहरबानी करके मास्क ज़रूर पहनिएगा। अगर आप चर्च अटेंड करना चाहते हो तो ज़रूर मास्क पहन कर आप आइएगा। आप बाहर मेन सिक्योरिटी वाले आपको रोक लेंगे, क्योंकि वो अंदर नहीं आने देंगे। क्योंकि आप बाहर आप जब रश में निकलें मार्केट में जाएं तो फिर हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जब चर्च में आए तो हम कहते हैं चले कोई बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हम ज़रूर इन सारी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, ताकि मैं भी आप भी हम सब एक दूसरे को क्या करें महफूज रखें। तो मैं इंतज़ामिया की बहनों से कहूँगा कि जिस शख्स ने या बहन ने मास्क नहीं पहना होगा उसको चर्च में आने की इजाज़त नहीं होगी।
आप ज़रूर मास्क पहने और ताकि हम सब मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मेरे भाई अंकल साबर हैं, उनको कोरोना वायरस है और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। उनके लिए लिखा गया है कि ज़रूर पासिस साहब दुआ कीजिएगा। मिनिस्टर इजाज आलम कस्टीन साहब के लिए भी दुआ करेंगे। और भी बहुत सारे लोग जिनको कोरोना वायरस हुआ है उनके लिए भी दुआ करेंगे। पासर रियाज साहब मुल्तान में निश्चर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, उनको भी कोरोना वायरस है, उनके लिए भी दुआ करेंगे ताकि खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती नायल करें। और जितने भी आप फेसबुक के ज़रिए से देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी बहन यास्मीन गिल, आप अमेरिका से हमारे साथ हैं, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे बहन पतरस रियाज साहब, आप भी अमेरिका से, आपको वेलकम खुश आमदीद। बहन मरियम पतरस, आप भी अमेरिका से, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। बहन शाइस्ता, आप साउथ कोरिया से, आपको वेलकम खुश आमदीद कहते हैं। निमरा रूफस, आप बैंकॉक से हैं, आपको वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ। बहन गजल, आप थाईलैंड से हैं, आपको वेलकम खुश आमदीद कहते हैं। और इसी तरह मेरी बहन नसीम लाल फैमिली, आप भी थाईलैंड से हैं, आपको भी वेलकम खुश आमदीद कहते हैं। मेरी बहन नवीद गिल, आप अबू धाबी से हैं, आपको भी वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ। बहन अनिला यकूब, आप दुबई से हैं, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपको भी वेलकम खुश आमदीद कहते हैं। और भी जितने बैरून मुल्कों से हैं, पाकिस्तान से हैं, फेसबुक के जरिए से हैं, यूट्यूब के जरिए से हैं, आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। आइए इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। खुदा इन सबको बहुत ज्यादा बरकत दे, खुदा इनकी मदद और रहनुमाई करे। तो ही मेरे शिष्यों अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम आप सबके लिए दुआ करेंगे, बरकत चाहेंगे। जहां भी आप फील करते हैं कि आपके बदन के अंदर बीमारी है, भाई अपने नए हाथ को अपनी बीमारी की जगह पर रख लीजिए। हम आप सब के लिए खाद मिलकर दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक, खुदा हम बड़ी आजजी इनका सारी फरोतनी के साथ तेरे पास आते, तुझे मुबारक कहते खुदा, और इस सारे वक्त के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते खुदा। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ खुदा, कि तूने हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा खुदा, और मौका दिया था कि हम तेरे घर के अंदर आकर तुझे वो बारे कह सके। आज की सारी हम तो सितारिश के लिए, कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। और इस वक्त तमाम अपने भाइयों को, बहनों को, बेटों को, बेटियों को खुदा, कि जितने भी तेरे बेटे बेटियां इस वक्त बड़ी आजती इनका सारी फरोतनी के साथ तेरे पास आए, तेरी हौसूरी में झुके खुदा, हम इनके लिए तेरे खास मसा को चाहते हैं खुदा। तेरा पाकरू फता से बढ़कर गलबा अदा करे खुदा, और यीशु मसीह नासरी के नाम से जो भी इनके बदनों के अंदर बीमारी, कमजोरी, वीकनेस है खुदा, मुकम्मल तौर पर जाती रहे खुदा, क्योंकि तू शाफी है, तू बाप है, तू जिंदा खुदा है, तू सब कुछ करने की कुवत और कुदरत रखता है। हम तेरे खास मसा को चाहते हैं, तेरा आखरू खुदा इनकी जिंदगियों के अंदर अंजलाली काम करे, और जिन्होंने अपने नैने हाथ को अपने दिल के ऊपर रखा पाप खुदा, अगर जो हम खादम नहीं जानते कि तेरे बेटे क्या क्या दिल की मुरादें लेकर खुदा तेरे पास आए, हम इनके लिए तेरे खास मसा को चाहते हैं। तेरा आखरू खुदा इनकी जिंदगियों के अंदर अंजलाली काम करे, अगर जो भी इनकी भविष्य से पाप खुदा आज ही इनके लिए खुदा तेरा आसमान खुले और ये तेरा जलाल देखे, तेरे नाम में पता पाए, क्योंकि खुदा तू शाफी है, तू बाप है, तू जिंदा खुदा है, तू सब कुछ करने की कुवत और कुदरत रखता है। हम तेरे मसा को चाहते हैं। इसी तरह खुदा आज के सारी एप्लीकेशंस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है पाप खुदा, तेरे बेटे पेरेंकल सामन के लिए तेरी बरकत चाहते हैं पाप खुदा। मेरी बहन फरत
تسلیم کے لیے جو اس وقت فیس بک پر دیکھ رہی ہے جبکہ انہوں نے بھی لکھا کہ میں ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کرونا وائرس سے خدا اس بہن کے لیے بھی ہم تیری برکت چاہتے ہیں پاسٹر ریاض صاحب کے لیے جن کی ملتان سے ریکویسٹ ہے اگر جتنا بندہ نشتر ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے کرونا وائرس میں مبتلا ہے خدا اور بھی جتنے پیشنٹ خدا دیکھنا تیری بندہ اعجاز اگسٹین صاحب کے لیے منسٹر صاحب کے لیے جو کہ دیو خدا کرونا وائرس کے طرح پہلے سے بہت بہتر ہیں ان کے لیے ہم تیرے خاص مسا کو چاہتے ہیں ایسے سارے پیشنٹ کے لیے خدا جو کرونا وائرس کے اندر مبتلا ہے ہم ان کے لیے تو اس سے برکت کو بلیسن کو چاہتے ہیں کہ تو اپنے نام کو جلال دے تاکہ وہ تیرے بیٹے بیٹیاں خدا تیرے نام میں شفا پائیں اور جتنے بھی فیس بک کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں اپنے تمام ان بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے جو پاکستان سے دیکھ رہے ہیں جو بیرون ملکوں سے دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سے بھی تیرے بیٹے بیٹیاں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاک خدا ان کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں چودھری میتھیو صاحب کے لیے جو کہ ٹیکسلا سے ہیں خدا انہوں نے اپنے بچوں کی جو ریکویسٹ کو پیش کیا ہم تیرے خاص مسا کو چاہتے ہیں تیرا پاک رو تمام ان لوگوں کے لیے جو ہاسپٹلس کے اندر ایڈمٹ ہیں پاک خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں برادر اموز کے لیے جو کارڈیالوجی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے پاک خدا اگر جی تیرے بیٹے کو سانس نہیں آنے پا رہا پاک خدا استھما کا مسئلہ ہارٹ اٹیک پاک خدا لنگس کام نہیں کرنے پا رہے ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں تاکہ تیرا پاک رو ان کی زندگیوں کے اندر خدا جلالی کام کرے اور وہ تیرے نام میں فتح پائے مکمل طور پر پاک خدا ایسے تمام بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے جو سیریس حالت میں ہیں ہم تیری برکت چاہتے ہیں اپنے سپرے سینٹر کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آئی سی ٹی وی کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں اپنے سینئر آسان و فضل صاحب کے لیے ان کی مسز کے لیے بچوں کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنی مسز کے لیے بچوں کے لیے فضل فیملی کے لیے اور اپنی ٹیم کے ان سارے خادموں کے لیے جو رات دن یہاں پر لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں ساری ٹیم کے لیے انتظامیہ کے لیے سیکیورٹی کے لیے ایشیز کے لیے منڈے بھائی کے لیے جو سونا پریڈ کرتے ہیں پاک خدا جو مارننگ میٹنگ کی تیاری دیتے ہیں ارے بھائی ہمیوں کے لیے پال بٹ صاحب کے لیے مجید مائیکل صاحب کے لیے ساری ٹیم کے لیے جو مارننگ میٹنگ میں کام کرتی ہے ان کے لیے ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں اسی طرح جو گلی میں بہنیں سیکیورٹی کا کام کرتی ہے انتظامیہ کا خاص پر جو بھائی بہنیں چیکنگ کا کام کرتی ہیں پاک خدا ان کے لیے تیرے خاص مسا کو چاہتے ہیں تیرا پاک رو ان کو محفوظ رکھے اسی طرح اپنے ملک پاکستان کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے پاکستان کے اداروں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں تمام ججز کے لیے تمام ڈینامینیشنز کے لیے ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں اور آج کی ساری عبادت کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ایمان رکھتے کہ ہم نے جو کچھ مانگا تو نے آسمان کو کھول کر عنایت کیا مسیح کے نام سے آمین آئیے دونوں ہاتھوں اٹھائیں مل کر بولیں گے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج دے دے جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض کو معاف کر ہمیں سمائش ملا ہم کے لڑائی سے بچار کہ جو بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہو آمین اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاکوں کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ بالخصوص حاضر جماعت کے تمام خاندانوں کے ساتھ اور خاص صفحہ جو فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں ان سب کے گھرانوں کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ آپ سے لے کر عبد الاباں تک ہوتی رہے آمین باپ
और बेटे रूह कुस के नाम में आमीन। उसी में आप सबको सलाम सलामती के साथ जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।